Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना वायरस महामारी के चलते सिंगर सोनू निगम इन दिनों में दुबई में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी। सोनू ने कहा था कि अगर वह भारत आते हैं तो अपने परिवार और पिता को खतरे में डालेंगे, इसलिए अभी फिलहाल वे भारत आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वहीं अब उनके 3 साल पहले अजान को लेकर किए गए ट्वीट पर फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है। दरअसल मुंबई में फंसे रहने पर लोग उन्हें उनका 3 साल पुराना ट्वीट याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे उनकी सुबह की नींद में खलल पैदा होता है। साथ ही लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। उनके पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि उन्हें अजान से दिक्कत होती थी, ऐसे में दुबई पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि दुबई पुलिस की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोनू के खिलाफ सोशल मीडिया पर तेजी से आलोचकों के हमले हो रहे हैं। कई यूजर ये भी कह रहे हैं कि सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। हालांकि ये सच नहीं है। सोनू निगम ने साल 2017 में अभिजीत भट्टाचार्य के अकाउंट सस्पेंड होने के विरोध में अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि सभी सोनू निगम के विरोध में ही है, कई लोग उनके सपोर्ट में भी आते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि सोनू ने सिर्फ अजान के बारे में एतराज नहीं जताया था, बल्कि उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर पर भी एतराज जताया था। बता दें कि सोनू निगम ने अप्रैल 2017 में ट्वीट्स के जरिए बताया था कि कैसे सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ती है। सोनू ने मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों की ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उनके इस ट्वीट के बाद देश में खूब बवाल मचा था और लोगों ने सोनू को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।